राज्यसभा से बीजेपी के सांसद राकेश सिन्हा इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सिन्हा सर, आपसे मैं पूछूंगा, घोषणा पत्र कैसा है, संकल्प पत्र जो आज रिलीज किया है, आप कहोगे बहुत अच्छा, समर्थन करोगे क्योंकि लीडर हो आप पार्टी के, लेकिन अहमद पटेल का मैं पूछता हूँ, उन्होंने कहा है कि कवर पेज देखकर साफ पता चल जाता है कि हमारा, देख लीजिए, लोगों का समूह है और वहाँ अकेले प्रधानमंत्री। देखिए, कांग्रेस पार्टी जो एक फैमिली फर्म बन गई है, वो करोड़ों लोगों की पार्टी पर तंज कस रही है, ये अहमद पटेल को शोभा नहीं देता है। उस पार्टी में दो तरह के लोग हैं, एक तो वंशवादी हैं, दूसरे वे हैं जो भ्रष्टाचार में लिप्त लोग हैं, जिसमें अहमद पटेल भी शामिल हैं, वह भी आरोपित हैं। देखिए, कांग्रेस का घोषणा पत्र विभाजन की रेखा को मजबूत करने वाला घोषणा पत्र है, कश्मीर पर जो उनका स्टैंड है, और कांग्रेस की जो राजनीति है, जो राहुल गांधी के वायनाड जाने से दिखाई पड़ रही है, यदि राहुल गांधी सच में देश की एकता और अखंडता के लिए प्रतिबद्ध हैं तो वायनाड में मंदिर से अपना कैंपेनिंग शुरू करें, और जैसे मध्य प्रदेश में उन्होंने किया, और जैसे अयोध्या में उनके पिताजी ने राम राज्य की बात कही थी, अगर उनमें हिम्मत है तो वायनाड में जाकर कहें कि हिंदुस्तान में राम राज्य स्थापित करने के लिए वे आगे बढ़ रहे हैं, वे ऐसा नहीं कर सकते। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धार्थ के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।